बात करेंगे यहाँ पर। सरकार ने एक आदेश जारी किया था, सुन लीजिए मामला क्या है। अब पहले एक आर्टिकल दिखाऊँ, मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल कराया था इसके ऊपर, 5 जून को एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो मैंने कराया था इस टॉपिक को और फिर चर्चा में आ गया। ठीक है, सुनिएगा उस समय न्यूज़ क्या थी। उस समय आया था सरकार ने विड्रॉ कर लिया। अभी 5 जून को एक आर्टिकल आया था द हिंदू में इस बात पर कि भारत सरकार का जो नेशनल मेडिकल, हमारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक है, DGHS बोलते हैं इसको हम लोग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, इसने एक एक आदेश जारी किया था 12 मई को। उसमें ये कहा गया था कि आने वाले सितंबर, आने वाले कुछ दिनों बाद भारत में भी डॉक्टर होंगे, उनको सबको जेनरिक दवाएं लिखना अनिवार्य होगा। ब्रांडेड दवाएं लिख सकते हैं वो, उनको जेनरिक वर्जन लिखना होगा। उन्होंने कहा था केंद्र सरकार के अस्पताल जितने भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, वहाँ डॉक्टर ब्रांडेड दवाओं के बजाय केवल जेनरिक दवाएँ लिखेंगे, प्रिस्क्राइब ओनली जेनरिक मेडिसिन इंस्टेड ऑफ द ब्रांडेड मेडिसिन। ये कहा था, आदेश दिया गया था, और जो डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा उस पर पेनल्टी लगेगी। अब बड़ा सवाल है कि क्या होती हैं जेनरिक दवाएं और क्या होती है ब्रांडेड दवाएं, वो समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर उसमें कहा गया था कि अगर किसी को मरीज रखने का विशेष लाभ मिलता है यहाँ पर, तो वो दिया जाए। और उन्होंने कहा था कि ये आपको अगर कहीं ना कहीं पेनल्टी लगेगी अगर नहीं लिखेंगे तो। आइए एक बार डिकोड कर लें शब्द को हम लोग यहाँ पर। पहली बात तो क्या होते हैं जेनरिक दवाएं और क्या होती हैं ब्रांडेड दवाएं, इसको समझ लेते हैं, ब्रांडेड और जेनरिक। देखिए, कोई कंपनी ने कोई रिसर्च की दवा बनाई, आपने मान लिया कोई भी कंपनी है, सिप्ला मान लो कोई कंपनी है, इसने कुछ रिसर्च किया, कुछ वैक्सीन तैयार की, कोई दवा तैयार की, उस दवा में कुछ इसने केमिकल्स डाले होंगे, कुछ फॉर्मूले डाले होंगे इसके अंदर, इसने केमिकल 1, 2, 3 डाले होंगे, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाया होगा और एक दवा तैयार की होगी। ठीक है, इस दवा में आमतौर पर इसका ब्रांड नेम रखा होगा, फिर उसने मान लो एक्स नाम की दवा बना दी, इसने मार्केट में एक्स नाम की दवा लेकर आ गया ये। ठीक है, चालू मिल गई परमिशन इसको। अब क्या हो सकता है कि 20 साल का पेटेंट होता है, पेटेंट मिलता है जब किस दवा कंपनी को, 20 साल का पेटेंट मिल गया, आपने नई दवा बनाई है, तो अब 20 साल गुजर गए, 20 साल बाद क्या होगा। अब ये होगा कि ये केमिकल कंपोजिशन सबको मालूम है, यहाँ पर पेटेंट खत्म हो चुका है। अब ये कंपनी दोबारा पेटेंट के लिए फाइल करेगी, उसका ना मिले इसको कोई बात नहीं, नहीं मिला तो क्या होगा, पेटेंट खत्म हो गया इसका। अब दुनिया की कोई भी कंपनी, कोई भी ABC कंपनी इस दवा को बना सकती है, लेकिन अब वो एक्स नाम से नहीं बनाएगी, क्योंकि एक्स नाम क्या है, ब्रांडेड है, ये ब्रांडेड चीज़ है, फॉर्मूला उसको मालूम है, तो इसी फॉर्मूले को फॉलो करेगी वो, इसी फॉर्मूले को फॉलो करके, इसी 1, 2, 3 को फॉलो करके वो दवा बनाएगी, उसका नाम बी रख देगी या सी रख देगी, व्हाटएवर जो रखना चाहे वो। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, इसके बाद एक जेनरिक नाम पड़ जाता है इसका। अब ये जेनरिक नाम क्या है, आपने क्या किया था जब 1, 2, 3 को मिलाया था, तो आपने कहा था मान लीजिए इसका दवा का नाम है ABC, इसका नाम है और ब्रांड नेम है इसका X, समझ आई बात यहाँ पर, तो इसका सामान्य नाम ABC है, जिससे मालूम पड़ता है क्या क्या फॉर्मूले में है, जैसे पैरासिटामोल, आपने आपकी बात करूँ तो सुना होगा पैरासिटामोल सभी लोगों ने, आपने पैरासिटामोल एक जेनरिक नाम है। आप वो आपके अगर वो सिप्ला के वो क्रोसिन के नाम से आ जाए मार्केट में, तो क्रोसिन ब्रांड हो गया उसका, या किसी और कंपनी बेचे उसको तो अपना ब्रांड ला के बेच सकती है, क्योंकि जेनरिक नाम क्या है उसके पीछे का, पैरासिटामोल। अब वो डिस्प्रिन के नाम से आ जाए, वो डायनापार के नाम से आ जाए, वो आपके किसी और नाम से आ जाए, वॉट एवर, लेकिन ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है उसका, लेकिन जेनरिक नेम है पैरासिटामोल। अब यहाँ पेटेंट खत्म हो गया, इस जेनरिक नेम को लेकर कोई भी दवा कंपनी दवा बना सकती है, फिर खत्म पेटेंट, फॉर्मूला मिलाएगी 1, 2, 3 मिलाएगी और बना देगी ABC, और उसको हो सकता है बेचे हो बी नाम से, तीसरी कंपनी ABC बनाएगी, इसको हो सकता है सी नाम से बेचे हो। इनको पेटेंट नहीं मिला BC को, क्योंकि पेटेंट खत्म हो चुका है। जेनरिक चीज क्या हो गई, ये हो गया जेनरिक नाम। अब डॉक्टर से उम्मीद की गई है भैया कि आप लिखते हो दवा पर्चे में एक्स का नाम, कि एक्स दवा खाओ सुबह शाम, ये मत लिखो, आप ये लिखो कि ABC खाओ सुबह शाम। अब वो पर्चा लेके जाएगा मेडिकल वाले दुकान पर, मेडिकल वाला कहेगा भैया देखो ये ABC वाली, ये दवा एक्स नाम की दवा है, 20 रुपये की है, ये 7 रुपये की है, 5 रुपये की, कौन सी खरीदना है आपको। मरीज पूछेगा भाई तीनों XC, कहेगा भाई तीनों XC फॉर्मूला तो एक ही है तीनों का, तो जो सस्ता वो लेगा मरीज यहाँ पर, क्योंकि इफेक्टिवनेस तो सबकी XC है यहाँ पर, तो वही दवा लेगा मरीज जो सस्ती मिलेगी उसको। फिर अभी आप क्या करते हो, एक्स लिख के क्या करते हो, 20 रुपये दवा खरीदने मजबूर करते हो मरीज को, क्योंकि एक्स कंपनी ने हो सकता है आपको कमीशन दिया हो। एक बड़ा समस्या नैतिक पक्ष है इसमें। अब ये इन पॉइंट बातें सारी हैं इसके अंदर। अब ये आदेश जारी कर दिया भारत सरकार ने, इसका विरोध कौन करेंगे, डॉक्टर विरोध करेगी, विरोध करना चालू कर दिया डॉक्टर लॉबी ने यहाँ पर, विरोध किया, उन्होंने कहा भैया ये गलत है, और जो तर्क दिया गया बड़ा स्ट्रांग तर्क था यहाँ पर, जब मैं तब पढ़ाया था तब भी आर्टिकल तब भी कहा था, और ये आप इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको यहाँ पर। पहली बात तो ये जो अवधारणा है कि डॉक्टर फाइन लगा दो, अब आपने एक्स नाम की दवा लिख के दी डॉक्टर ने कि एक्स खरीदो मजा आ जाके, ठीक है
एबीसी फॉर्मूला है और एक्स नाम की दवा खरीदो। अब मैं एबीसी लेके गया वहाँ पर मेडिकल वाले के पास, तो मेडिकल ये मानना पड़ेगा मेडिकल वाला परोपकारी इंसान है, वो मुझे वो दवा देगा जो सबसे सस्ती होगी। अब तीनों विकल्प बताएगा ये ले सकते हैं आप। क्या मैं उससे पूछूंगा कौन कौन से विकल्प है? नहीं पूछ सकता ना, मैं उसको रखूंगा पर्चा, वो दवा दे देगा मुझे। एक भारत में क्या होता है, ये होता है ना हमारे यहाँ पर्चा देते हैं, डॉक्टर मरीज देता है मेडिकल वाला दवा। तो हम ये मान के चलेंगे कि परोपकारी व्यक्ति बाय डिफॉल्ट मानना पड़ेगा वो एक कहीं ना कहीं अपने आप में ये एजम्पशन होगा हमारा कि एक अपने आप में वो उसका फायदा कमाना उद्देश्य नहीं है एक प्रकार से। वो महंगी ब्रांडेड दवाएं आपको नहीं देगा और स्वयं को प्रोत्साहित नहीं करेगा महंगा बेचने के लिए। तो जो MR कंपनी डॉक्टर के पास जा सकती है, जो MR डॉक्टर के पास जा सकता है महंगी दवा बेचने के लिए, मेडिकल वाले के पास जा सकता है। अब इसका मतलब समझा आपने यहाँ पर कि वो मेडिकल वाला बोला भाई 5 रुपये की 20 रुपये की है, आप तय करिए क्या खरीदना है आपको। ये मान के दोनों बराबर फायदा मिल रहा है उसको दोनों पर, लेकिन फायदा उसको किस पर मिलेगा ज़्यादा? जो 20 वाली दवा ज़्यादा फायदा मिलेगा उसको यहाँ पर, तो क्या बेचना चाहेगा वो? 20 वाली बेचे दवा उसकी। तो ये कैसे मान लें कि मेडिकल वाला परोपकारी हो जाएगा? वो नहीं हो सकता, वो प्रॉफिट कमाना चाहेगा। पहली बात बाय डिफॉल्ट ये है इसके अंदर। दूसरी बात आपने कहा कि पेनल्टी लगेगी आप पर, डॉक्टर जो होगा नहीं लिखता जेनरिक दवा, पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर। तो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये था इसके अंदर, क्या सभी जेनरिक दवाएं एक समान होती हैं? अब होता क्या है, आपने जब ABC बनाई, इसने रिसर्च किया, R&D किया पूरा इसने और दवा तैयार कर दी। बाद में जब जेनरिक वर्जन तैयार होते हैं इनके, ये जो कंपनी तैयार करती हैं, केमिकल कंपोजिशन यही होता है। अब उन्होंने देखा कि ABC को जोड़ने के लिए आपने मान लो कुछ फैक्टर एक्स लगाया, उसमें कुछ लगाया था जोड़ने के लिए, इनको कोई पाउडर डाला था मान लीजिए। क्या पाउडर ये डालें, उनको लगता नहीं पाउडर मत डालो, ये लिक्विड डाल दो इसकी जगह, जुड़ना तो है ये तीन चीज़ों को, लिक्विड डाल दो उसको। तो ये एग्जैक्टली ये कंटेंट सिमिलर होता है, लेकिन इसको कहते हैं बायो सिमिलर होना। बायो सिमिलरिटी नहीं होती, कई बार जैव तुल्य नहीं होते वो अपने आप में। कंपोजिशन एक सा होता है, जेनरिक दवाएं ना फॉर्मूला एक सा होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, शरीर में घुलने की क्षमता बदल जाती है। अब वो मैं कहूँ कि अगर सॉलिड फॉर्म में है आपने मिलाया पाउडर को, यहाँ लिक्विड फॉर्म में मिलाया, कंपोजिशन बिल्कुल केमिकल 2% 3% लिखा होगा, 5% ये 7% ये 9% ये, कंपोजिशन एक सा है, लेकिन उनको जोड़ने का जो बॉन्डिंग करने का जो फॉर्मूला था वो बदल दिया कंपनी। इससे क्या होगा, बॉडी में घुलने की दर बदल जाएगी और दवा की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, आपने दवा दी थी, दवा व्यक्ति सही हो गया था, ये दवा तो मिल रही है लोगों को, लेकिन क्या इतनी इफिशियंट होगी अपने आप में, इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। और डॉक्टर इसीलिए कई बार इस दवा को प्रेफर करते हैं, ईमानदार डॉक्टर भी, कि भाई ये दवा खाओ स्वस्थ रहोगे जल्दी हो जाएगा। इन दवाओं के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान हमको नहीं है, इनके ट्रायल कुछ हुई नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा विवाद हमारे यहाँ जो होता है वो यही होता है, वो दवा विवाद यही हमारे यहाँ पर जो मैं कहना चाहिए इस लाइन को पढ़े मेरे साथ। आपको लाइन ये है, यदि जेनरिक दवा का विघटन प्रोफाइल एक समय अवधि इनोवेटिव दवा के समान है, यानी जो नई दवा बनाई गई थी एक्स नाम की दवा बनाई थी आपने उसके समान है, तो जैव तुल्य घोषित किया जाता है। तो बायोसिमिलर क्या होता है, जब बिल्कुल एक जमाने दोनों का बॉडी में जाके एक्स भी उतनी तेजी से घुलेगी इतनी कि ए और बी घुलेंगी तो ठीक है, लेकिन क्या बायोसिमिलर होती हैं वो? बायोसिमिलर का टेस्ट करने का फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास। कम अब वही बात है ना यार, आप मैं कहूँ यार ये आटा है, ये आटा है, ये पानी है, रोटी बना दो। अब आटे पानी की मात्रा आपने बदल दी या उसको आपने उसको बनाने का तरीका बदल दिया तो रोटी कुछ और बनेगी वहाँ पर। कंपोजिशन तो एक ही, क्या क्या लिखोगे यार, आटा था ये पानी था बन गई रोटी यार, तो क्या रोटी के समान हो सकती हैं सारी? वो क्या वो खाने में एक समान हो सकती हैं? बायो सिमिलर तो लगेंगी देखने में, लेकिन उस तरह का असर अलग प्रकार का, वही बात यहाँ भी लागू होती है सेम प्रकार से। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग लगातार दवा में खून में इस बार घुलती है, उसके आधार पर अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो होता क्या है ना, जेनरिक दवा निर्माता करते क्या है, जो बाइंडर हैं, जो कोटिंग करनी है दवा के ऊपर, जो पंचिंग करनी है, वो अलग पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। कंपोजिशन ABC क्लियर है वो कमन होगा, लेकिन बाकी चीज़ जोड़ लें दवा के अंदर, जो बाकी चीज़ें मिलाते हैं दवा के अंदर जो, वो अलग प्रकार की हो सकती है। अब इससे क्या होगा, दवा का बॉडी में घुलने का रूप बदल जाएगा। तो डॉक्टर जानता है कि यार एक्स नाम का ब्रांड अच्छा था, ए और बी ने ये काम नहीं किया है, तो क्या इसके लिए पेनल्टी लगानी चाहिए डॉक्टर के ऊपर फिर मुझे? अब मैं ABC लिख के दे दूंगा आपको, तो आप क्या मतलब आपके लिए, आप क्या समझ पाएंगे कौन सा ब्रांड है कौन सा नहीं है? तो इससे कहीं ना कहीं मरीज को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर लोग भी विरोध कर रही थी इस बात का, और फाइनली भारत सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया है। ये अच्छा काम किया मुझे लगता है भारत सरकार ने यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर नेशनल मेडिकल आयोग है, हमारे यहाँ नेशनल मेडिकल कमीशन जो है देश का, सुन लीजिए खबर क्या है। खबर ये है, राष्ट्रीय जो मेडिकल चिकित्सा आयोग है उसने उन नियमों पर रोक लगा दी है जो प्रिस्क्राइब करने को कहते थे जेनरिक दवाओं को, लागू होने वाले कुछ दिनों में।
अभी रोक लगा दी है, वो बाई खबर हमारी यहाँ पर तो अभी लागू नहीं होंगे। ये बात तभी चल रही थी, विरोध तभी से होना चालू हो गया था, लगातार डॉक्टर अभी मिल रही थी, कंपनियाँ मिल रही थी स्वास्थ्य मंत्री से, तो ये लागू होने वाला थे हमारे यहाँ पर कुछ दिनों में। यहाँ पर नियम में कहा गया था कि भैया सभी डॉक्टर को अनिवार्य होगा जेनरिक दवाएं लिखना, अदरवाइज उन पर पेनल्टी लगेगी उनके ऊपर, और हो सकता है उनका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाए कुछ समय के लिए। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर डरे हुए थे इस पूरे मामले से। चलिए व्हाटएवर, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से।